आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मेथी की कढ़ी की रेसिपी। ये एक बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये कढ़ी बनने के बाद। तो आप सभी इसको ज़रूर से एक बार बनाकर देखिएगा। एंड अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो गाइस, देखिए मेथी की कढ़ी बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पे देखिए एक कप अच्छे से एक बाउल भर के मेथी को चॉप करके रख लिया है, बिल्कुल फ्रेश मेथी है। एंड साथ में मैंने लिया है यहाँ पे बेसन, तो ये मैंने करीबन हाफ कप बेसन लिया है। आपको जितना आप कढ़ी बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। वैसे ही मेथी की क्वांटिटी को भी आप अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। एंड ये मैंने लिया है एक कप से थोड़ा सा ज्यादा ये दही है। आप दही देखिए आपका दही कितना खट्टा है, उसके अकॉर्डिंग आप दही की क्वांटिटी को भी अगेन इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। एंड इसमें हम तड़का लगाएंगे। यहाँ पे मैंने जीरा लिया है, हाफ टी स्पून मैंने जीरा लिया है, हाफ टी स्पून मैंने मेथी का दाना लिया है। एंड यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई रेड चिली ली है। एंड साथ में हम हींग का तड़का लगाएंगे इसमें। चलिए आइए अपनी मेथी कढ़ी बनाना फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अपनी गैस को ऑन कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी गैस पे कढ़ाई को रख दिया है, तो इसमें अभी हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। तो मैं मोस्टली कुकिंग जो है मस्टर्ड ऑयल में ही करती हूँ, उसी को ही प्रेफर करती हूँ यूज करना। तो मैं अराउंड इसमें 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल दे रही हूँ। 2 से 2.5 चम्मच कर देती हूँ मैं इसको। और अच्छे से भी मस्टर्ड ऑयल को पहले गरम कर लेंगे, बिकॉज इसे गरम करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज एक पिक्युलर सा टेस्ट आता है अगर आपका जो ऑयल है वो कच्चा रह जाए। तो बस एक बार हमारा तेल गरम हो जाए अपना आगे का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर लेंगे। तो देखिए हमारा जो ऑयल है ना वो अच्छे से गर्म हो गया, तो इस टाइम पे मैं गैस की फ्लेम को कम कर दे रही हूँ। एंड सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी अपनी साबुत लाल मिर्च, ड्राई रेड चिली। इसी के साथ हमारा चला जाएगा जीरा एंड मेथी दाना। एंड साथ ही मैं चुटकी भर इसमें हींग को ऐड कर दे रही हूँ। हींग से काफी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। एंड अभी इसमें हम ऐड कर देंगे अपनी मेथी, तो अच्छे से मिला लेती हूँ इसके साथ में। हल्का सा मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी ताकि हमारी मेथी है वो जल्दी से गल जाए, और बाकी का सॉल्ट हम बाद में ऐड करेंगे। फिलहाल मैं इसमें 1/4 टीस्पून के अराउंड सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। एंड 2 मिनट के लिए ना हम कवर करके इस मेथी को कुक कर लेते हैं। तो मैं इसको कवर कर दे रही हूँ। एंड जब तक कि हमारी जो मेथी है वो कुक हो रही है, हम अपना जो आटा सॉरी जो बेसन और दही है उसको मिक्स कर लेते हैं एक बड़े बाउल में। मैंने बेसन एंड दही मिक्स कर लिया है, आपको दिखा के देती हूँ। एंड इसी में ही ना मैं अपने जो मसाले हैं वो भी ऐड कर लूंगी दही और बेसन के साथ ही। सो अब हम इनको भी मिक्स कर लेते हैं बेसन और दही को, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं आने चाहिए। अच्छे से मैं हैंड विस्कर की सहायता से मिक्स कर लेती हूँ। कढ़ी तो हर की तरह में देखिए बनती है, तो ऐसा कुछ ज्यादा वो नहीं है, पर थोड़ा सा मेथी की कढ़ी आप विंटर्स में ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाती है। तो जिस बाउल में मैंने दही लिया था उसी में मैंने पानी ले लिया है, इसी को मैं इसमें इसका हम एक गोल सा बना लेंगे जो हमारा कढ़ी में चला जाएगा। धीरे धीरे मिक्स कर लेती हूँ। इसी में ही मैं अपने जो बाकी के मसाले हैं वो भी ऐड कर लूंगी। देखिए मैं जितना क्वांटिटी पानी की चाहिए वो यहीं पर ही डाल दी है, तो मैंने करीबन इसमें 800 ml पानी डाल दिया है। एंड नाउ मैं इसमें जो अपने मसाले हैं वो भी ऐड कर लेती हूँ। तो मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर रही हूँ इसमें। हल्दी चली जाएगी हमारी 1/4 टीस्पून के अराउंड। एंड थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें रेड चिली पाउडर, बहुत ज्यादा नहीं, वो भी मैं 1/4 टीस्पून ही डाल रही हूँ, थोड़ा स्पाइसी भी है ये। आप चाहे तो ग्रीन चिली भी कट करके डाल सकते हैं। तो बस इसको एक बार अच्छे से मिला लेते हैं हम। बहुत ही सिंपल सी कढ़ी है, झटपट से बन जाती है, पर खाने पर आप जरूर से एक बार ट्राई करेंगे तो आपको पसंद आने वाली है। मेथी का काफी अच्छा फ्लेवर आता है कढ़ी में। तो देखिए ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है।
बस एक बार हमारी मेथी को 2 मिनट हो जाए कुक करते हुए, तो मैं अपना जो मिक्सचर है वो इसमें ऐड करूंगी। देखिए हमारी जो मेथी है ना उसे कुक करते हुए अराउंड 2 मिनट्स हो गए, तो आइए इसे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए मेथी ऑलमोस्ट कुक होने लग गई है। तो अभी हमने जो उसका दही और बेसन का मिक्सचर में बना के रखा था उसको हम मिलाएंगे, तो इस टाइम पे मैं गैस की फ्लेम को हाई कर दे रही हूँ। इसे अच्छे से वो मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के जितना बाउल में एक्स्ट्रा बचा रह गया उसको भी मैं निकाल लेती हूँ, तो वो भी मैंने इसमें निकाल के इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहे तो ग्रीन चिली को भी चॉप करके इसमें डाल सकते हैं। तो सब एक बार हमारा जो कड़ी है इसमें बॉईल आ जाए अच्छे से, तो हम इसको कवर करके कुक करेंगे फॉर अराउंड 30-35-40 मिनट्स के अराउंड। सो देखिए हमारी जो कड़ी है उसमें बॉईल आ गया है, तो अभी मैं गैस की फ्लेम को कर दे रही हूँ बिल्कुल लो पर, एंड मैं इसको अब कवर करके कुक करने को रख दे रही हूँ फॉर अराउंड 35-40 मिनट्स के अराउंड। तब तक कि अच्छे से कुक नहीं हो जाती, इसमें से ऊपर से जो ऑयल है वो आना स्टार्ट नहीं हो जाता है, एंड बीच बीच में हम इसको एक दो बार चला लेंगे ताकि अच्छे से कहीं पर स्टिक ना हो गलती से भी, वैसे तो नहीं होगी बट स्टिल हम एक दो बार इसको चला के देख लेंगे। सो गाइस देखिए मुझे कड़ी को कुक करते हुए 35-40 मिनट्स हो गए हैं, तो आइए मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ इसे। तो ये देखिए अभी आप देखेंगे इसमें जो ऊपर से देखिए जो ऑयल है वो आने लग गया है, इट मीन्स की जो कड़ी अच्छे से बनके तैयार हो गई है। मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, एंड थोड़ा सा मैंने इसमें पानी और डाला था अराउंड 200 ml के अराउंड पानी मैंने और इसमें ऐड किया था। ये देखिए बहुत ही टेस्टी लगती है कड़ी राइस के संग। सो देखिए गाइस कड़ी तो हो गई हमारी रेडी, तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है विंटर्स में क्योंकि मेथी आराम से मिल जाती है। तो चलिए आइए इसको हम अपने बाउल में निकाल लेते हैं। फिलहाल मैं ये कड़ी को बाउल में निकाल ले रही हूँ, एंड इसे हम सर्व करेंगे राइस के साथ। आप चाहे तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं बट राइस के संग खाने पे अलग ही मजा आता है। आप चाहे तो इसमें ऊपर से भी तड़का लगा सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, अदरवाइज ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है मेथी वाली कड़ी में। तो ये मैंने देखिए बाउल में निकाल लिया है। सो देखिए मेरी मेथी वाली कड़ी जो है मैंने अपने बाउल में निकाल के रख ली है, इसे मैं राइस के साथ सर्व करूंगी। आप चाहे तो इसे रोटी राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है स्पेशली विंटर्स में। तो आप लोग जरूर से एक बार मेथी वाली कड़ी की वो ट्राई करके देखिएगा, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। एंड अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलती हूँ आपसे एक न्यू रेसिपी के साथ।